नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्व पंजीकरण के माध्यम से दीक्षा ऐप में कैसे लॉगिन करें। लॉगिन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके फोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल है, या यदि आपके फोन में दीक्षा ऐप पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि वह ऐप का नवीनतम संस्करण यानी लेटेस्ट वर्जन है। अब अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद हेड टीचर्स और ऑफिशियल्स पर क्लिक करें। स्क्रीन पर नीले रंग से लिखे रजिस्टर हियर पर क्लिक करें। यदि आपके पास पहले से ही दीक्षा अकाउंट है तब आपको यह प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे लॉगिन पर क्लिक करके दीक्षा ऐप खोल सकते हैं, परंतु यदि आपको नया अकाउंट बनाना है अर्थात रजिस्टर करना है तो यह वीडियो को अंत तक देखें। नीचे दिए गए स्थान पर नाम और अपना जन्म का वर्ष दर्ज करें। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अपना राज्य, जिला, प्रखंड, क्लस्टर और स्कूल की जानकारी भरें एवं सबमिट पर क्लिक करें। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस में से किसी एक विकल्प का चयन करें। अब अपना पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड को कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। ईमेल एड्रेस में भी आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा और कंफर्म करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। SMS अथवा ईमेल द्वारा प्राप्त OTP को दर्ज करें एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें। पुनः लॉगिन पेज पर जाएं और अपना मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करें। ऐप के अंदर प्रविष्ट होने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। अब आप दीक्षा ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।